बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीक के डाटा स्ट्रक्चर के नए लेक्चर के साथ आई एम ऑनलाइन। मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ कोर्स आउटलाइन थोड़ी सी इलैबोरेट कर लूं कि थोड़ा सा मैंने अपना सीक्वेंस चेंज किया है। जब हम क्लास ले रहे थे ऑन कैंपस तो हम लोगों ने वीक 10 की कुछ चीज़ें कर ली थी, कुछ रह गई थी। जैसे हम लोगों ने बी ट्री जो था वो उसके अंदर डिलीशन और वो कर ली थी, एवियल ट्री हम कर चुके थे, बट स्पैनिंग ट्री और स्प्लिट ट्री हमारा भी रहता है और अभी हमारा 11वां वीक भी रहता है और 12वां वीक भी रहता है। लेकिन क्योंकि मैंने अब सॉर्टिंग स्टार्ट करवा दी थी तो मैं अब ना वीक नंबर 13 ऑनवर्ड जो है ना सबसे पहले डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को थोड़ा सा फिर कोडिंग और उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम भी मिल जाएगा। आपको याद होगा कि मैंने बबल सॉर्ट की डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों को क्लास में दी थी, ठीक है। आज हम बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट करते हैं। वीडियो को छोटा रखने के लिए पहले मैं बबल सॉर्ट रिकॉर्ड करूंगी और फिर उसके बाद इंसर्शन सॉर्ट रिकॉर्ड होगा। ये मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के ऑडियो क्वेश्चंस जो हैं वो वेलकम। जब ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा तो आप लोग अपने वॉइस टेक्स्ट जो है मुझे कर सकते हैं और उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा कि बबल सॉर्ट का लेक्चर टाइम 5 मिनट्स 30 सेकेंड्स के ऊपर आप लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आई होप के बोथ वेज में कम्युनिकेशन से जो हमारा लाइव सेशन है जो कि हम मिस कर रहे हैं, रिकॉर्डेड सेक्शन पे हमें जाना पड़ रहा है ड्यू टू कोविड सिचुएशन, हम इसको कवर कर पाएंगे। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, बबल सॉर्ट जो है आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था और क्लास में एक एक्टिविटी भी करवाई थी कि जिसमें आप पहले दो नंबर्स को जैसे आप देखो कि आपने आपके पास बेसिकली ये इनपुट एरे है जिसमें आपके पास 77, 42, 35, 112, 101 और 5 पड़ा हुआ है और सॉर्ट होने के बाद वो इस फॉर्म में आ जाती है। और इसका मैकेनिज्म क्या था कि पहले दो नंबर्स को हम स्वैप कंपेयर करते हैं, अगर तो ये असेंडिंग ऑर्डर में फॉर एग्जांपल अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो ये अपने आप को, क्योंकि 42 छोटा है 77 बड़ा है, तो ये अपने आप को स्वैप कर लेंगे। फिर अगला आइटम जो है वो थर्ड आइटम से अपने आप को कंपेयर करेगा और ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने क्लास में डेमोन्स्ट्रेट की थी तो आई होप कि इसको मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगी। और जब हम पहली दफा ये लूप चलाते हैं तो फर्स्ट हाईएस्ट पोजिशन जो है, फर्स्ट नंबर जो होता है वो अपनी राइट प्लेस पे आ चुका होता है और हम इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं। और जब हम रिपीट करते हैं तो ये जो चीज है आप लोगों के सेकंड हाईएस्ट पोजीशन अपनी राइट जगह पे ले लेगा, फिर थर्ड हाईएस्ट, और हम ये एन माइनस वन टाइम एन टाइम्स जो है ये अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। अच्छा, अब ना मैं इसका थोड़ा सा कोड आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब आप इसका कोड चलाते हो तो कोड में आप लोगों के पास स्वैप का कोड किस तरीके से चलेगा और लाइक दैट। ये C++ का कोड है जिसको मैं थोड़ी देर के बाद आप लोगों के साथ चलाऊंगी भी। ये स्वैपिंग का कोड जरा समझ लीजिए, जहां पे हमारे स्वैप हो रहा है। ये एक फंक्शन है जो रिटर्न वैल्यू void ले रहा है। इसमें दो पैरामीटर्स जाएंगे, ठीक है ना, जिसमें ए वैल्यू जाएगी और बी वैल्यू जाएगी। यहाँ पे हम टेम्परेरी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि लेट अस सपोज एक टेम्परेरी वेरिएबल मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ और टेम्परेरी वेरिएबल में मैं इसको जरा कॉपी करती हूँ और आप लोगों को लिख के बताने की कोशिश करती हूँ कि ये हमारे साथ क्या करेगा। मैं एक ब्लैंक स्लाइड खोल लेती हूँ आप लोगों के लिए और बैक साइड पे इसको लेट मी चेंज द लेआउट और इसका लेआउट हम कुछ इस तरीके से करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इसको मैं थोड़ा सा लंबा करके इसके अंदर पेस्ट करती हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज सामने होगी तो फिर वो लिखने में हमें आसानी होगी। अब देखें ये इस फंक्शन का नाम क्या है, स्वैपिंग, ठीक है। और ये पैरामीटर्स कितने ले रहा है, दो पैरामीटर्स ले रहा है। और कर क्या रहा है ये फंक्शन हमारे पास, कर क्या रहा है। मसलन अगर मैंने स्वैपिंग का फंक्शन कॉल किया, मैं इसको थोड़ा सा वो समझाने की कोशिश करती हूँ। स्वैपिंग का फंक्शन है SW, इसकी स्पेलिंग ठीक ही होनी चाहिए अदरवाइज ये फंक्शन कॉल ही नहीं होगा। आई एम श्योर कि ये फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग में और आप जो है वो
सही तरीके से प्रैक्टिस कर चुके होंगे। ये स्वैपिंग का फंक्शन है जिसमें लेट अस सपोज मैं दो वेरिएबल पास करती हूँ, पहले मैं करती हूँ 42, ठीक है, और एक नंबर मैं करती हूँ 33। अब मैं चाहती हूँ कि ठीक है, और ये इसको ए ले रहा है और ये जो वैल्यू है ये आपकी बी की वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका ए का एड्रेस पास हो रहा है और यहाँ पे बी का एड्रेस पास हो रहा है। अच्छा, अब फंक्शन काम किस तरीके से करेगा? अब ये एक लोकल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाएगा। आप लोगों को पता होगा कि फंक्शन के अंदर अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर टाइप का जिसका नाम टेम्प है, तो वो इसका जो स्कोप होता है वो विद इन द फंक्शन ही रहता है। तो वो सबसे पहले क्या करेगा, टेम्प के अंदर ए, ए क्या है आपके पास 42, तो टेम्प के अंदर आप जो है, जब मैं इसमें कॉमा या सेमीकोलन मिस कर दूं तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि इस पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब टेम्प में क्या चला गया, ए की वैल्यू चलेगी, टेम्प में ए की वैल्यू चलेगी, इसका मतलब ये है कि ये 42 जो है ए में चला गया क्योंकि ए के अंदर 42 पड़ा हुआ था, पहला पैरामीटर ए है, और ए को आपने असाइन कर दी बी की वैल्यू, बी में क्या पड़ा हुआ था 33, ठीक है। तो ये स्वैपिंग का फंक्शन इस तरीके से काम कर रहा है, और बी को आपने क्या वैल्यू असाइन कर दी दोबारा से ए की वैल्यू, ए में इस वक्त क्या था, ए में इस वक्त आप ए सॉरी यहाँ पे आपने ए को बी की वैल्यू असाइन कर दी और बी को टेम्प की वैल्यू असाइन कर दी, और बी की टेम्प की वैल्यू क्या जी 42। तो देखें ये जब फंक्शन काम करेगा तो ए और बी की वैल्यू को स्वैप कर देगा। तो यहाँ पे अगर मैं दोबारा कोडिंग की तरफ आऊँ तो ये स्वैपिंग का फंक्शन जो है ना मैंने आप लोगों को समझा दिया, और आपने देखा था कि ये जो फंक्शन है स्वैपिंग का फंक्शन जो है वो दो वैल्यूज पैरामीटर के तौर पे ले रहा है और वो इन दोनों को स्वैप कर रहा है, और मैंने यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंटेशन में भी बता दिया कि स्वैप द कॉन्टेंट ऑफ ए एंड बी। अच्छा, अब ये वाला जो फंक्शन है वो डिस्प्ले कर रहा है, डिस्प्ले क्या कर रहा है कि साइज अरे का साइज इंटीजर टाइप का ले रहा है, उसका साइज ले रहा है और अरे ले रहा है, और उस साइज की जो अरे है उसको वो, अगर मैंने साइज 5 डिक्लेयर किया तो 5 साइज की अरे को डिस्प्ले कर देगा, और ये मैंने फंक्शन लिखा हुआ है, डिस्प्ले का एक फंक्शन है। जब भी मैंने डिस्प्ले के फंक्शन में मैं अरे पास करूंगी और उसका साइज पास करूंगी तो वो फॉर लूप को इस्तेमाल करके वो अरे को डिस्प्ले कर देगा। तो ये मैंने आप लोगों को समझा दिया कि ये वाला फंक्शन स्वैप कर रहा है और ये वाला फंक्शन जो है वो डिस्प्ले कर रहा है। अब आगे आ जाए, बबल सॉर्ट का ये मेन फंक्शन है जिसमें आप क्या कर रहे हो कि आप एक लूप चला रहे हो। डेफिनेटली जब आप वैल्यूज लोगे तो वो एक अरे की फॉर्म में होंगी, तो वो अरे का जितना भी साइज होगा उतनी दफा ये लूप चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे वो जो लूप है वो पहली वैल्यू को जो है वो दूसरी वैल्यू के साथ कंपेयर करेगा, अगर वो वैल्यू जो है वो ऑर्डर के हिसाब से नहीं है तो स्वैपिंग का फंक्शन कॉल करेगा, इन दोनों को दो अरे के उन पर्टिकुलर वैल्यूज को इंडेक्स पास कर देगा और इसको स्वैप कर देगा, राइट और अगर स्वैप नहीं है तो फंक्शन का स्वैप कब नहीं होगा, जब आपके पास ऑलरेडी ही असेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चंस पड़ेंगे, नो स्वैप इन दिस पास सो अरे सॉर्टेड, मतलब ऑलरेडी ही अगर आपने सॉर्टेड अरे दे दिए तो। अब आप ये फंक्शन मैंने लिख दिया है, मैंने 3 फंक्शंस लिखे हैं, ये वाला जो फंक्शन है वो वैल्यू को स्वैप कर रहा है, ये वाला फंक्शन मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है जी, ये वाला जो फंक्शन है वो मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ रेड में, ये आपका जो है डिस्प्ले कर रहा है, राइट, और ये बबल सॉर्ट का जो है ना मेल एल्गोरिथम वो इसमें यहाँ पे चल रहा है, राइट, इसका हम थोड़ा सा ग्रेश कर देते हैं। तो ये मैंने आपके 3 फंक्शन कॉल किए हैं। अब मेन फंक्शन में आपके पास क्या हुआ, अगर आपके पास स्वैप नहीं हो रहा तो वो फंक्शन जो है वो वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। अब मेन फंक्शन है जी, सबसे पहले हम जो है हमने एंड साइज का एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने शामिल करने हैं वो एन के लिए आपने कर दिया, अब उस एन साइज का आपने अरे डिक्लेयर कर दिया, जितनी भी एन साइज की है उतने एंट्रीज कर दी और उन एंट्रीज को आपने इनपुट कर दिया सी इन के फंक्शन से, और फिर जब आपने इसको किया तो डिस्प्ले किया तो जो आपकी अनसॉर्टेड फॉर्म है वो आपकी डिक्लेयर हो जाएगी, और फिर उसके बाद बबल सॉर्ट जो है वो फंक्शन काम करेगा, और उसके बाद आपकी सॉर्टेड अरे जो है ना वो आपकी
डिस्प्ले हो जाएगी। मैं आप लोगों को इसका जो है ना चला के भी दिखाती हूँ। डेव में हम इस प्रोग्राम को लेके चलते हैं। ये मैंने सेम प्रोग्राम जो है जो कि मैं अभी आप लोगों को प्रोवाइड भी कर दूंगी, मैंने आप लोगों के लिए डेव में इसको खोले। ये वाला फंक्शन जो है न्यू, आप एक अपना सोर्स फाइल बना लीजिए। जब न्यू सोर्स फाइल है जो कि मैं अभी आप लोगों को कोड प्रोवाइड करूंगी, आप इसे कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद आप इसे कंपाइल कीजिए और इसको रन करके एक दफा देख लीजिएगा। कंपाइल एंड रन की ऑप्शन पे जाए गए। ये अनटाइटल्ड था तो मैंने इसको बबल सॉर्ट के नाम से रिप्लेस कर दिया ताकि मेरे पास अपना डाटा सेव हो। ये वैल्यू चली और थोड़ा सा टाइम ले रही है ये। उसके बाद उसने कहा कि जी कितने एलिमेंट्स आपने सॉर्ट करने, मैंने कहा जी 5। अब वो कह रहा है एलिमेंट्स एंटर करें, मैं कहती हूँ कि जी पहले 33 था, फिर मैंने स्पेस दे दी, फिर मैंने कहा 45 था, फिर मैंने कहा 10 था, फिर था 2 लेट अस सपोज, फिर था 6 और उसके बाद था 5। अब क्योंकि मैंने 5 एलिमेंट्स लिए हैं, चेक्स वगैरह मैंने अभी इसमें इतने नहीं लगाए कि जी 5 एलिमेंट हैं या उससे ज्यादा हो गया है तो किस तरह काम करेगा, लेकिन बाय द वे ये बेसिक कोड जो है वो रनिंग फॉर्म में है। तो आप देखें कि जो मैंने एंटर की थी वो 33, 45, 10, 2, 6, 5 ये आपके पास रे थी, और ये जब आपकी सॉर्ट होके आ गई तो वो 2 पहले आना चाहिए था। मैंने यहाँ पे क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स दे दिए थे ठीक है बाय मिस्टेक, लेकिन क्योंकि उसने 5 एलिमेंट ही साइज के अंदर डिक्लेयर किए थे तो उसने 5 एलिमेंट ही पहले पिकअप किए हैं, और अगर मैं ज्यादा एलिमेंट कर दूंगी तो वो सिर्फ सिर्फ 5 ही को पिकअप करेगा। और देखें उसने इस पूरे एलिमेंट में 2 सबसे छोटा था, फिर 6 था और उसको उसने सॉर्ट कर दिया। एक दफा फिर इसको चला के देखते हैं, एग्जीक्यूट करें, रन एंड कंपाइल करें, तो आप देखें कि मैं कहती हूँ कि जी मुझे 8 साइज की एंट्रीज करनी है। तो पहला एन नंबर जो है वो मैं कहती हूँ जी 100 है, फिर दूसरा नंबर जो है 25 है, तीसरा 55 है, 45 है, 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 2 है, कितने नंबर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब मैंने 9 एलिमेंट किए हुए, लेकिन क्योंकि मैंने एलिमेंट का साइज 8 रखा था वो पहले 8 एलिमेंट्स को पिकअप कर लेगा। देखिए ना 7 एलिमेंट्स तक उसने स्टॉप लगा दिया और उसको अरे को उसने सॉर्ट कर दिया। आई होप के ये जो चीज है आपको डेमोन्स्ट्रेशन में बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब एक जो लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 3 सिनेरियोज होते हैं जी जब भी हम कोई सॉर्टिंग कर रहे होते हैं, एक वर्स्ट केस सिनेरियो, एक बेस्ट केस सिनेरियो और एक एवरेज केस सिनेरियो। वर्स्ट केस सिनेरियो ये होता है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपने असेंडिंग ऑर्डर में चीज को डिस्प्ले करना है, लेकिन आपके पास जो अरेज आ गई हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये वाली सिचुएशन आ गई है कि आपने फॉर एग्जाम्पल 9, 8, 7, 6, 5 और 4। अब ये देखिए ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है और ये जो आपको अरे दे दी गई है ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दी गई है। अब हर जगह पे स्वैप होगा, 8, 9 से कंपेयर होगा, फिर जो 9 यहाँ पे आएगा फिर अगली दफा कंपेयर होगा, तो ये होता है वर्स्ट केस सिनेरियो ठीक है। यानी हर दफा एलिमेंट कंपेयर होगा और वो स्वैप होगा, हर दफा लूप जो है वो अपने आप को स्वैप की कंडीशन को फुलफिल करेगा। और बेस्ट केस क्या होता है कि आपके पास ऑलरेडी ही जो रे है ना वो आपकी सॉर्टेड फॉर्म में है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब आप देखें जब आप 4 को 5 से कंपेयर करेंगे आपको स्वैप करने की जरूरत नहीं है, फिर जो सेकंड एलिमेंट है उसको आप 6 के साथ कंपेयर करेंगे आपको स्वैप करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाली सिचुएशन जो है ना वो आपकी है बेस्ट केस सिनेरियो, ये है आपका वर्स्ट केस सिनेरियो। और ये है आपका बेस्ट केस सिनेरियो। और एवरेज केस सिनेरियो होता है कि कुछ एलिमेंट्स आपके ऑर्डर में है, मसलन आपने कहा जी 10 है ठीक है जी, फिर आपने कहा 9 है राइट, फिर आपने कहा कि 11 है, फिर आपने कहा 12 है, फिर आपने कहा 18 है ठीक है, और लेट अस सपोज आपने कहा 20 है। अब कुछ एलिमेंट्स में आपको स्वैप करने की जरूरत पड़ेगी और कहीं नहीं पड़ेगी, मसलन अगर आप 10 को 9 से कंपेयर करेंगे आपको स्वैप करने की जरूरत पड़ेगी, 9 इधर आ जाएगा और 10 इधर चला जाएगा। अब जब 10 को आप 11 से कंपेयर करोगे तो 11 की पोजीशन वैसे ही रहेगी,
फिर जब आप 11 को 12 के साथ कंपेयर करोगे तो 12 की पोजीशन भी वही रहेगी, एंड सो ऑन. इस केस को हम कहते हैं जी एवरेज केस, यानी कुछ एलिमेंट्स हैं वो आपके अंदर स्वैप होंगे और जो कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो स्वैप नहीं होंगे. तो ये मैंने आपको तीन केसेस बता दिए बबल सॉर्ट के अंदर. अब आप यहाँ पे देखो कि ये जो है वर्स्ट केस में आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन स्क्वायर है. आपको याद होगा कि मैंने आपको एसिम्प्टोटिक म्यूटेशंस पढ़ाई थी जिसमें लीनियर कॉन्स्टेंट बिगो होती है फिर लॉगरिथमिक होती है, और वर्स्ट केस में भी बबल सॉर्ट जो है वो एन स्क्वायर टाइम लेता है, बेस्ट केस में भी एन स्क्वायर टाइम लेता है, और एवरेज केस में भी आपका वर्स्ट केस टाइम लेता एवरेज केस में भी एन स्क्वायर टाइम लेता है. और ये चीज आपकी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं कि जी बबल सॉर्ट की एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताइए या वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताइए. अगले एल्गोरिथम पे जब मैं करवाऊंगी तो आप लोगों को कंपैरिजन दे दूंगी, और ये चीज आपके टिप्स पे होनी चाहिए कि बबल सॉर्ट का ये तो खैर बहुत ही आसान है याद रखना क्योंकि तीनों की सेम है, लेकिन देयर आर सर्टन एल्गोरिथम जिसमें आपकी वेरी भी कर जाती है. सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा. इसको ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो वी विल डेफिनेटली डिस्कस देम फर्स्ट, और फिर उसके बाद हम इसको आगे लेके चलेंगे. बहुत शुक्रिया बच्चों सुनने का, और आई होप कि यू आर एंजॉइंग योर ऑनलाइन सेशंस. थैंक यू सो मच.